हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 का इंसर्ट वाला पार्ट, जो कि अपना कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अपना पेज लेआउट टैब को डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या एफिशिएंसी टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबको लेकर डिस्कस करेंगे। तो पेज लेआउट टाइप के अंदर हम लोग आज देखेंगे पेज सेटअप में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम, ये चार ऑप्शन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बार बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोज आपको अच्छे लगे तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो वर्ड 2010 की स्क्रीन आपके सामने है और इसमें मैंने कुछ अपना मैटर लिखा हुआ है। पेज लेआउट का मतलब हो गया, इन शॉर्ट अगर अपन समझें तो टोटली पेज की सेटिंग है, केवल पेज की सेटिंग। मतलब जिस पेज में हम लोग लिखना चाह रहे हैं उस पेज की फॉर्मेटिंग क्या होगी, उस पेज की साइज क्या होगी, उसके पेज के चारों तरफ जो मार्जिन आ रहा है वो कितना रहेगा, टेक्स्ट जो है वो अगर सिंगल कॉलम में आ रहा है तो इसको डबल में, ट्रिपल में या मल्टीपल में कैसे लेंगे, इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहेगा या लैंडस्केप रहेगा, मतलब पेज अपने को खड़ा रखना है आड़ा रखना है, तो वो सारी सेटिंग्स आज अपन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं थीम्स इसको मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं ले रहा है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है ये चीज़। ये जो बैलेंस जितने भी बचेंगे जो मैंने नहीं लिए उनके मैं अलग से टॉपिक्स बनाऊंगा, वो अपने नॉलेज बेस के लिए आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ एफिशिएंसी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ, जो जो छोड़ रहा हूँ उनको अलग से टॉपिक लेंगे उनका, उसका एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिन स्टार्टिंग में आता है। मार्जिन, मार्जिन का मतलब हो गया लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। ये जो आपको चारों तरफ का मार्जिन दिख रहा है, ये वाला मार्जिन, ये लेफ्ट साइड, ये टॉप साइड, ये राइट साइड, और अगर नीचे की तरफ जाएं तो ये बॉटम साइड। अब इस मार्जिन को कम या ज्यादा हमको करना है तो वो सारी सेटिंग्स आपको इसमें मिलेगी। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो मार्जिन के नेम के बेस पर आता है कि नॉर्मल मार्जिन कर दीजिए, नैरो कर दीजिए, मॉडरेट कर दीजिए, वाइड या मिरर्ड या और भी कोई नाम जो आपको 2007 में या 10 में या आगे किसी में मिल जाए तो वो नाम आएगा। तो नाम आने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप इजीली पढ़ सकते हो और पढ़ करके क्लिक कर सकते हो, लेकिन इनका थोड़ा सा एक बार देख लो। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, मतलब चारों तरफ 1 इंच का मार्जिन है। नैरो का मतलब क्या हो गया, चारों तरफ 0.5 का मार्जिन है। मॉडरेट का मतलब हो गया टॉप और बॉटम में 1 इंच का है और लेफ्ट और राइट में 0.75 का। ये थोड़ी बहुत साइजेस इनकी फिक्स है, तो जिस भी मार्जिन के लिए बोले उस मार्जिन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट आ चुका है, लेफ्ट साइड में, टॉप साइड में, राइट साइड में, बॉटम साइड में, जो कि पहले मार्जिन ज्यादा था मार्जिन कम हो चुका है। तो ये कम किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से मार्जिन नैरो चूज कर लिया, उससे पहले नॉर्मल चूज था। तो ये देखिए ये नॉर्मल था और वापस से अगर हम इसको नैरो की जगह मॉडरेट करते हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट और आ गया, 1 इंच की जगह 0.75 हो गया। तो चलिए ये तो हो गई बात कि अगर इनमें से कोई नाम आए, अगर अपने को कोई कस्टम मार्जिन दे दिया जाए, मतलब अपनी मर्जी से, तो कस्टम मार्जिन सबसे नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितना भी बोल दिया कि टॉप में 0.25 रहना चाहिए, टैब की से आप आगे जा सकते हैं, बॉटम के अंदर 0.35 रहना चाहिए तो आप 35 कर दीजिए, लेफ्ट के अंदर 0.50 रहना चाहिए, राइट के अंदर 0.50 रहना चाहिए, तो इसको कर देंगे हम लोग ओके। तो ये चार मार्जिन है, चारों तरफ के मार्जिन को हमने हमारे अकॉर्डिंग मतलब कस्टम मार्जिन में सेट कर दिया है, जो हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हम ले चुके हैं। तो चलिए इसमें एक पोजीशन और आती है इसी मार्जिन में। अभी मैं इसको एक बार नॉर्मल पे ले रहा हूँ, नॉर्मल का मतलब है लेफ्ट साइड में 1 इंच। तो चलिए मार्जिन, मार्जिन में कस्टम मार्जिन और कस्टम मार्जिन में ये जो एक आ रहा है गटर पोजीशन। अब गटर पोजीशन का मतलब आप लोग समझेंगे तो गटर पोजीशन का मतलब हो गया स्पाइरल बाइंडिंग के लिए जितनी जरूरत पड़ती है हमको पेज के लिए, क्योंकि जनरली अगर हमने यहाँ पर मार्जिन कम रखा और इसको बुक को अगर बाइंड करवा लिया तो ये टेक्स्ट कट जाएगा, तो हमारा ये टेक्स्ट ना कटे, जिसको कई लोग स्पाइरल बोलते हैं तो कई लोग इसको सिलाई भी बोलते हैं, तो आप लोग इसको स्पाइरल से ले लीजिए, स्पाइरल से आपको ध्यान रहेगा। अब स्पाइरल किसी भी बुक में या तो लेफ्ट साइड होगा या टॉप साइड होगा, तो ये देखिए गटर पोजिशन या तो लेफ्ट साइड है या फिर टॉप साइड है, कि आपको स्पाइरल आखिर करवाना कहाँ है। जैसे मैं अभी अगर इसको लेफ्ट साइड लेता हूँ और लेफ्ट साइड में मैं इसको बढ़ा देता हूँ 0.5 तक बढ़ा दिया, इसका मतलब मेरा लेफ्ट का मार्जिन 1 इंच है प्लस मैंने स्पाइरल के लिए 0.5 लिया, तो मेरा जो मार्जिन हो गया टोटल वो 1.5 इंच का हो चुका है, 1 प्लस 0.5। ओके ये देखिए मेरा टेक्स्ट खिसक चुका है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर 1.5 इंच का नहीं आ रहा तो मैं एक बार व्यू में से रूलर ऑन कर देता हूँ, ये रूलर ऑन कर दिया, 1 इंच ये वाला, आधा इंच ये वाला, और थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं एक बार इसको। मार्जिन, कस्टम मार्जिन सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, गटर पोजीशन को मैं 1.5 तक और बढ़ा देता हूँ, मतलब लेफ्ट में 1 और गटर पोजीशन वाला भी 1, इसका मतलब 2 इंच का मार्जिन। इसका प्रीव्यू आपको यहाँ दिख रहा होगा,
ये प्रीव्यू स्पाइरल के लिए है, बाकी ये जो था ये अपना मार्जिन है जो कि आगे खिसक चुका है। चलिए ओके करते हैं। तो ये देखिए 2 इंच का मार्जिन आपके पास आ चुका है। क्लियर है फंडा मार्जिन का? मार्जिन कस्टम मार्जिन जिसमें चारों तरफ के मार्जिन ऊपर आ रहे हैं और गटर पोजिशन के मार्जिन यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आपको लेफ्ट की जगह टॉप में लेना है तो आप टॉप में भी ले सकते हैं सेम चीज, मतलब टॉप में 1 इंच और गटर पोजिशन 1 इंच, मतलब ऊपर की तरफ से 2 इंच का मार्जिन। तो ये 1 इंच ये वाला मार्जिन और 1 इंच हमारा है गटर पोजिशन वाला स्पाइरल के लिए काम में आने वाला मार्जिन। तो चलिए वापस से चलते हैं, मैं इसको वापस से नॉर्मल मोड पे लेके आ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन सिर्फ दो ही टाइप की, पोर्ट्रेट जो कि आपको दिख रहा है, लैंडस्केप मतलब पेज को आईडी पोजीशन में ले लेना। ये देखिए जूम को मैंने कम किया है। पोर्ट्रेट मतलब पेज खड़ी पोजीशन में रहेगा और लैंडस्केप मतलब पेज आईडी पोजीशन में रहेगा। इसमें तीसरा कोई होता नहीं है, ये पेज के ओरिएंटेशन दो ही टाइप के हैं, पोर्ट्रेट देन लैंडस्केप। नेक्स्ट आता है अपना साइज। पेज की साइज क्या रखें हम लोग? पेज की साइज नॉर्मली 3 साइजेस हमारे काम में आती है, लेटर, लीगल, देन A4। लेटर, लीगल और A4। लेटर जो कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम में रहती है, A4 जो कि जनरली हम लोग जिस पेज पर फोटोकॉपी वगैरह करवाते हैं उस पेज को बोलते हैं हम लोग A4 पेज, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। साइज की अगर बात करें लीगल, तो जितने भी आपने अगर पाई पेपर देखे हो जो कि स्टैम्प पेपर के पीछे यूज किए जाते हैं, ग्रीन कलर के पेपर जिनको हम लोग ग्रीन पेपर बोलते हैं, तो ग्रीन पेपर की जो साइज होती है वो लीगल साइज होती है, मतलब ऑथोराइज डॉक्यूमेंट या गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगभग इन्हीं पेजेस पर प्रिंट निकलते हैं। तो ये 3 साइजेस अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें लेटर और A4। अब देखो लेटर 8.5x11 का है तो A4 8.27x11.69, 8.27x11.69 इंच। अब आप लोगों को एक छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर हमारे यहाँ तो सेंटीमीटर में आता है, आपके यहाँ पर ये इंचेस में आ रहा है। तो आप भी चाहें तो इसको सेंटीमीटर या इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो देख लीजिए कैसे करते हैं। फाइल पर क्लिक करना है हमको, नीचे ऑप्शंस पे जाना है और ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ से एडवांस्ड, और एडवांस्ड में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको मेजर दिखेगा यहाँ पर डिस्प्ले में सेकेंड वाला ऑप्शन। तो यहाँ से आपके यहाँ सेंटीमीटर सेलेक्ट होगा। अभी मैं मेरा इंचेस में आ रहा था, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये देखिए साइजेस मेरी सारी सेंटीमीटर में आने लग गई। वापस से मैं इसको इंचेस में लेता हूँ, तो फाइल पर क्लिक, ऑप्शंस, ऑप्शंस में एडवांस्ड, एडवांस्ड में नीचे की तरफ गए तो यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह इंचेस, या अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप बाकी कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट्स, मिलीमीटर, पिकासा, जो भी लेना है। मैं फिलहाल इसको इंचेस में कर देता हूँ और ओके। तो आगे से आपको इंचेस में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, 0.5 इंच, 1 इंच, जितना भी है ये सब। तो ये हो गया अपने साइज की बात। बाकी कोई भी अगर पेपर की साइज अगर वो अपने क्वेश्चन में बोलता है कि लेटर साइज कर दो, A5 कर दो, A3 कर दो, तो वो आप देख सकते हैं। आप A3 जो है ये हमेशा डबल होता है A4 का, A4 का जस्ट डबल, 8.27 का डबल 16.54, 11.69 बाई 11.69, क्योंकि लेफ्ट साइड से पेज उतना ही रहेगा, एक साइड से पेज उतना ही रहेगा, चाहे आप उसको डबल कर लीजिए चाहे कितना भी कर लीजिए। क्लियर है? चलिए हम कस्टम साइज पे चलते हैं। तो मोर पेपर साइज में जाकर के आप यहाँ से कस्टम साइज भी ले सकते हैं कि हमें तो 10x12 का पेज चाहिए। अब 10x12 का मतलब क्या हुआ, 10 विड्थ है या हाइट है, आप इसको W×H से ले सकते हैं, W विड्थ एच हाइट। यहाँ से W मैंने विड्थ लिया इसका 10, हाइट लिया इसका 12 और देन कर दिया इसको ओके। तो ये साइज 10x12 की साइज में हो चुकी है। यहाँ से देख लीजिए 1 से स्टार्ट हुआ, 8 तक गया, 1 इंच ये वाला और 1 इंच ये वाला, 8 और 2 10 और ये वाला 12 इंच, 10x12। ये देखिए 1 से लेकर के 9 तक, ये 10 तक ये हो चुका है, 11 और 1 ये 12, 10x12 के पेज की साइज हो चुकी है। साइज पे गए और अपना एक नॉर्मल साइज वापस से हम लोग ले लेते हैं। क्लियर है साइज? नेक्स्ट आता है अपना कॉलम। कॉलम का मतलब हो गया कि टेक्स्ट को आपको कितने कॉलम में लेना है। उसके लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर कंट्रोल ए कर दीजिए, आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए इसको और कॉलम्स में जाकर के 2 कॉलम्स, तो सारा मैटर अपना 2 कॉलम्स में आएगा। कॉलम्स में जाकर 3 करेंगे तो सारा मैटर 3 कॉलम में आएगा। लेफ्ट करते हैं तो आपका लेफ्ट साइड में कम रहेगा, राइट साइड में ज्यादा टेक्स्ट रहेगा। यही है, आप लोग कॉलम पे जाकर के राइट पे क्लिक करते हैं तो इसी का अपोजिट हो जाएगा कि राइट में कम होगा, लेफ्ट में ज्यादा टेक्स्ट होगा अपना।
तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं कि अगर मैंने तीन कॉलम लिया और कॉलम पे जाकर के मोर कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो आप उसको तीन की जगह चार, चार की जगह पांच, पांच की जगह छह, जितना भी लेना हो उतना आप ले करके ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर छह कॉलम बन चुके हैं हमारे। वापस हम एक बार दो कॉलम पे आता हूँ, तीन कॉलम पे आते हैं, और तीन कॉलम पे आने के बाद इनकी साइजेस की बात करते हैं कि अगर हमको फिलहाल ये तीनों साइजेस इक्वल आ रही है, क्यों? क्योंकि इक्वल कॉलम विड्थ पर क्लिक है। आप इस पर से क्लिक हटा सकते हैं और हटाने के बाद आप इसकी साइजेस को प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले कॉलम की साइज ज़्यादा बड़ी हो, उससे थोड़ी छोटी सेकेंड हो, और थर्ड वाली और छोटी हो। तो जैसे जैसे मैं फर्स्ट कॉलम की साइज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप देख पा रहे होंगे सेकेंड और थर्ड की साइज ऑटोमेटिक कम होती जा रही है। कि मैंने अगर इसको 2.5 ले लिया तो ये 1.39 पे आ चुका। तो चलिए 1.39 से मैं इसको और बढ़ाता हूँ थोड़ा सा 1.45। जैसे जैसे मैं सेकेंड को क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे थर्ड की साइज कम हो रही है। इसको मैंने 2 इंच लिया तो ये 0.79 का बच गया। स्पेसिंग स्पेसिंग इक्वल रहेगा, चाहे तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं इससे, जितना भी करेंगे यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा क्योंकि आखिर में पेज तो एक ही है, सेम वही चीज है। ओके किया, फर्स्ट की साइज ज्यादा बड़ी है, सेकंड की थोड़ी छोटी है, थर्ड की और ज्यादा छोटी। क्लियर हुआ। कॉलम्स के साइज भी हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसी में एक चीज आती है कि कॉलम्स के बीच में अगर लाइन इंसर्ट करनी हो तो कैसे इंसर्ट करें, सिर्फ लाइन बिटवीन पे क्लिक करना है और ओके करना है। ध्यान रखना है सारे काम आपको एक साथ नहीं करने, आप एक एक करते हुए इनकी प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये सारे ऑप्शंस ऑप्शन टू ऑप्शन रट जाए, ऑप्शन टू ऑप्शन समझ में। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ सारे क्लिक कर दिए, सारे इम्पैक्ट एक साथ देखने जा रहे हैं, वो सब नहीं करना है। एक एक इम्पैक्ट को देखिए, इजीली समझ में आएगा। चलिए वापस से अगर नॉर्मल मोड पे लाना है तो वन कॉलम पे क्लिक कर दो, कहीं कोई लाइंस वगैरह नहीं, कहीं कोई ऑप्शन नहीं। तो ये हुआ हमारा कॉलम तक का काम, ब्रेक्स, लाइन नंबर वगैरह ये सब नहीं ले रहे। इसमें अपन लाइन नंबर को थोड़ा सा ले लेते हैं कि अगर लाइन नंबर इंसर्ट करनी हो तो कैसे करें। लाइन नंबर पे क्लिक, यहाँ से किया हमने कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब एक एक से लाइन नंबर स्टार्ट होगा, पहले पेज पर एक से शुरू हुआ, आगे 30 पे गया, 30 के बाद 31, 31 से एंड हुआ 60, 60 से 61। यही लाइन नंबर को रीस्टार्ट ईच पेज करते हैं तो हर पेज पर दोबारा से लाइन नंबर स्टार्ट होंगे। फर्स्ट पेज पर एक से स्टार्ट, 30 पे खत्म, फिर एक से स्टार्ट, 30 पे खत्म, फिर एक से स्टार्ट, 30 पे खत्म। यही लाइन नंबर में आता है ईच सेक्शन। तो फिलहाल ये सारा सेक्शन एक ही है, सेक्शन ब्रेक हमने पढ़ा नहीं, इसका मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, उसमें इसको थोड़ा ढंग से देख लेंगे। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, अगर किसी पैराग्राफ से आपको लाइन नंबर हटाना है तो इंडिविजुअली उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, लाइन नंबर पे क्लिक कीजिए, देन सप्रेस कर दीजिए उसको। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस वाले पैराग्राफ से लाइन नंबर हट चुका है और 6 नंबर से वापस से लाइन नंबर जनरेट हो चुका है। आपको लगता है इसका भी हटाना है, देन सेलेक्ट करना है, लाइन नंबर पे जाना है और सप्रेस कर देना है इसको। तो क्लियर हुआ ये चीज कि अगर कोई लाइन नंबर हटाना हो तो आप इससे हटा सकते हैं। पूरी लाइन नंबर हटाना है तो आप नन कर दीजिए, कहीं भी कोई लाइन नंबर नहीं रहेगा। क्लियर हुआ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, कोशिश करेंगे कि पेज लेआउट हमारा कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू, फिर से मिलते हैं।